जम्मू कश्मीर में वंदे भारत ट्रेन चलने के उपलक्ष्य में यूनाइटेड पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल छन्नी हिम्मत में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने 30 दिसंबर से जम्मू कश्मीर में शुरू हो रही दूसरी वंदे भारत ट्रेन पर वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। आपको सभी प्रकार के जानकारियां दी जा रही हैं, उसी विषय में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने जा रही हूं। Raise your hands। इसमें बच्चों को रेल सेवा से जुड़े कई प्रश्न पूछे गए। भारत सरकार की एक योजना है, इसके अतिरिक्त कम मूल्य पर एलईडी बल्ब दिए जाते हैं। यह योजना मई 2015 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई। शाबाश, वेरी गुड। आयुष्मान योजना क्या है? हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी हर बीमार व्यक्ति का अस्पताल में मुफ्त का इलाज कराते हैं। शाबाश। भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड के वर्तमान सीईओ कौन है? इस दौरान बच्चों को ये भी जानकारी दी गई। भारत सरकार विकसित भारत यात्रा के संदर्भ में कई कार्यक्रम चला रही है और देश का हर एक नागरिक इस विकसित भारत यात्रा के साथ खुद को जुड़ा हुआ और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। वहीं क्रिसमस के उपलक्ष्य में भी स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया। नैना, कीर्ति, आयुष, संध्या, सानवी, अखिल सहित कई स्टूडेंट्स ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आप सभी को पता है आज हम यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं क्रिसमस की सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है। क्रिसमस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। Merry Christmas to all of you. And in advance, Happy New Year to all of you. क्योंकि हम 1 जनवरी को साथ में नहीं होंगे। स्कूल की प्रिंसिपल रजनी शर्मा ने कहा कि आज का भारत श्रेष्ठ भारत है और अगर भारत इसी तरह से विकास के पथ पर आगे चलता रहा तो वह भी दूर नहीं जब भारत पूरे विश्व के लिए एक मार्गदर्शक देश साबित होगा। आप लोगों ने भी बहुत कुछ सुना होगा, थोड़ा सा डिटेल में मैं बताना चाहती हूँ। 2024 तक मार्च में 75 ट्रेन्स वंदे भारत की चल लेंगी। बहुत अच्छी बात है, ये है ना, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात। तो जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है। रजनी शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस विजन और विश्वास के साथ काम कर रहे हैं उससे हर एक भारतवासी का विश्वास मजबूत हुआ है। नंबर 1 होंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो क्लैपिंग तो बनती है इसके ऊपर। भारत के बारे में कुछ जानकारी देने वाली हूँ। जब भी हम रेलवे में या कोई भी ट्रेन में जाते हैं वंदे भारत में, तो वहाँ के जो हाई फ्लैग होते हैं उनको देखकर हमारी यूनिट एंड माइग्रेशन की भावना होती है। और वहाँ जो वंदे भारत के बाथरूम होते हैं वहाँ वो भी साफ होते हैं। हमारा कर्तव्य भी है कि हम उन बाथरूम को साफ रखें। नैना, कीर्ति, आयुष, संध्या, सानवी, अखिल सहित कई स्टूडेंट्स ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम फिरोजपुर डिवीजन के साक्षी सिंह और नरेंद्र कुमार थापा के निर्देशों पर आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में पूजा शर्मा, ज्योति सिंह, सुरभि शर्मा, शगुन मल्होत्रा, ज्योति बिलोरिया, स्नेह शर्मा, रेणु बाला, नितिका कुमारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ इंडियन न्यूज़, जम्मू।
प्रोग्राम करते हैं, पूरे वर्ल्ड में ये प्रोग्राम जो है ये बनाया जाता है। ठीक है, किसका बर्थडे हुआ था, किसके बर्थडे की सेलिब्रेशन करते हैं हम लोग?